नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है। मैं मेडलाइफ में मेडिकल डायरेक्टर हूं और आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वही वायरस है जो 31 दिसंबर को सबसे पहली बार चाइना के वुहान डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था। ये वायरस आज दुनिया के 23 कंट्रीज़ में फैल चुका है और इससे मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ के 450 हो गई है। ये वायरस सबसे पहली बार उन लोगों में पाया गया जो जानवरों के साथ काम करते थे, जो लाइव एनिमल का मार्केट लगता था वुहान में, वहाँ से लोगों को सबसे पहली बार पता लगा। इससे पहले कि हम इस बीमारी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करें, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या। कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली का नाम है और इन फैमिली के वायरसेस जो हैं यूजुअली सर्दी खांसी जुखाम जैसी आम बीमारियां करते हैं। कभी कभी ये वायरस म्यूटेट हो जाते हैं, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है ये बदल जाता है और ये एक ज़्यादा सीवियर बीमारी करते हैं। ये जो वुहान का कोरोना वायरस है ये इसका तीसरा एग्जाम्पल है। सबसे पहली बार जब ये वायरस म्यूटेट किया था तो ये चाइना में ही किया था, 2003 में सबसे पहली बार पता लगा था और इसका नाम था उस टाइम सार्स, SARS। सार्स वायरस ने चाइना में 8,500 लोगों को बीमार किया और 350 लोग उससे एक साल में मरे। 2004 तक ये वायरस कंट्रोल में आ गया था। ये वुहान वायरस ने पिछले 2 महीने में इससे ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद जो दूसरा वायरस म्यूटेट हुआ उसका नाम था मर्स। ये सऊदी अरेबिया में पाया गया और कहा जाता है कि ये ऊंट से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ और ये आज तक 850 लोगों को मार चुका है, मगर अभी तक कंट्रोल में नहीं आया है। इक्के दुक्के केसेस अभी भी सऊदी अरेबियन पेनिनसुला में देखने को मिलते हैं। ये जो तीसरा वायरस और जो सबसे खतरनाक वायरस है जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये वायरस सबसे पहली बार वुहान डिस्ट्रिक्ट में पता लगाया गया था एंड इसने आज तक 20,000 लोगों को ग्रस्त कर दिया है और चाइना में अकेले 450 लोग अभी तक मर चुके हैं इस वायरस की वजह से। चाइना के अलावा ये 23 देशों में अभी तक फैल चुका है। इंडिया उसमें से एक देश है और अभी तक इंडिया में 3 कन्फर्म्ड केसेस पाए गए हैं। जो वायरसेस पहले फैले, जैसे सार्स जो चाइना में हुआ था 2003 में, वो पाया गया था कि बिल्ली से आया है। जो वायरस मर्स के नाम से सऊदी अरेबिया में फैला था वो ऊंट से आया था। सो वायरस ऐसे म्यूटेट करते थे कि जानवरों से इंसान में ट्रांसमिट हो जाते थे। जो ये वायरस वुहान वायरस है ये कहाँ से आया है अभी तक पता नहीं लग पाया है। इस वुहान वायरस का टेक्निकल नेम जो है वो 2019 नोवल कोरोना वायरस के नाम से है। ये वायरस अभी इंसान से इंसान में जो फैल रहा है वो कैसे फैल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस बहुत इन्फेक्शस है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं पाया गया है। ये यूजुअली जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फैलने का ज़रिया है वो सिक्रीशंस के ज़रिए होता है। तो जब आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो जो छोटे छोटे रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं वो एक से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर आप वुहान वायरस से ग्रस्त हैं और अगर आपने छींका या खांसा, अपने हाथ में खांसा और उस हाथ को आपने तुरंत नहीं धोया और उससे आपने जाके कोई दरवाज़ा खोल दिया और किसी और आदमी ने उसी हैंडल को पकड़ के उस दरवाजे को खोला, तो ये वायरस आराम से उस आदमी में ट्रांसमिट हो सकता है। क्योंकि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। सो आइए जानते हैं कि इस वायरस से कैसे बचें। ये कोरोना वायरस जब बीमारी शुरू करता है तो सर्दी खांसी जुकाम जैसी सिम्टम्स के साथ आएगा, बट परेशानी ये है कि बहुत जल्दी ये सर्दी खांसी जुकाम से बढ़ के फेफड़ों में फैल जाता है और निमोनिया कर देता है और ये निमोनिया बहुत सीवियर तरह का निमोनिया होता है, जिसको मेडिकल टर्म्स में ARDS या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बुलाते हैं।
इस तरह की निमोनिया से बच पाना बहुत मुश्किल है और इसीलिए इस वायरस से बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। अभी तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं मिला है और इससे बचाव करने के कुछ साधन हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। WHO और CDC ने ये गाइडलाइंस पब्लिश की हैं जो इस वायरस से बचाव में बहुत कारगर हैं। इसमें से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हाथ का धोना साबुन पानी से कम 20 सेकेंड तक आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, वो स्पेशली अगर आप किसी हॉस्पिटल से आए हैं या फिर अगर आपने बाथरूम यूज़ किया है खाना खाने से पहले। अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली धोइए। अपने हाथ को बिना धोए कभी भी मुंह में आँख में या नाक में नहीं डालना है, उससे वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। दूसरा, आपको किसी बीमार व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आना है, कम से कम आए स्पेशली उन व्यक्तियों के कांटेक्ट में जिनको ऑलरेडी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सर्दी खांसी जुखाम है। अगर वो व्यक्ति पिछले 14 दिन में उनकी हिस्ट्री है कि वो चाइना से होके आए हैं तो उनसे आप स्पेशली दूर रहें। अगर आपको खुद सर्दी खांसी जुखाम है तो उसको सीरियसली लीजिए। सर्दी खांसी जुखाम के साथ ही साथ अगर आपको कोई कांटेक्ट हुआ है ऐसे व्यक्ति का जो चाइना से होके आया है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको खुद सर्दी खांसी जुखाम है तो खांसते वक्त अपने मुंह को हमेशा कवर करके रखिएगा या हैंकी से या फिर आप अपनी शर्ट का स्लीव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बस ये वाला हिस्सा, हाथ से मुंह को कवर नहीं करना है। हमेशा जब भी खांसी वगैरह करें या फिर कभी छींक वगैरह आए उसके बाद अपने हाथ को धोना है, ये सबसे ज़रूरी है। और दूसरे लोगों के कॉन्टैक्ट में कम से कम आना है, ये बहुत ज़रूरी है। मास्क के रिगार्डिंग पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनने के लिए अभी तक नहीं कहा गया है, मगर अगर आप किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या फिर अगर आप अस्पताल में जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क का प्रयोग ज़रूर करिएगा। और ये सिंपल सर्जिकल मास्क नहीं, N93 N95 मास्क जो आते हैं उनका प्रयोग कीजिए। इसके अलावा हमेशा अपने खाने को, स्पेशली अगर आप मीट वगैरह बना रहे हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह कुक करके फिर खाएं। जितना हो सके जानवरों से अपना कांटेक्ट कम से कम रखें, ये प्रिवेंशन में बहुत मदद करेगा। इस वायरस को पता लगाने के लिए आपके डॉक्टर आपको टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं। ये टेस्ट ब्लड टेस्ट भी हो सकता है और ये टेस्ट आपके नेजल या मुंह के सिक्रीशंस को लेके भी हो सकता है। आजकल मार्केट में इस एक टेस्ट आया है जिससे इस बीमारी का जल्दी पता लगाया जा सकता है और इसका नाम है RT-PCR। टेक्निकल नेम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इससे जो रिपोर्ट है वो यूजुअली एक घंटे में आ जाती है और इस बीमारी को कन्फर्म किया जा सकता है। अगर आपको सर्दी खांसी जुखाम हो तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं आया है और इस वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। साइंटिस्ट ज़रूर कुछ दवाइयों पे काम कर रहे हैं और वैक्सीन भी ढूंढ रहे हैं, बट अभी तक कुछ कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला है। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सतर्क रहें और गलत जानकारियों से दूर रहें। अगर आपको लगता है कि आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी सर्दी खांसी जुखाम है और आप सस्पिशियस हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ही मिलें और उसी की जानकारी पे भरोसा रखें। याद रखिए, जानकारी ही बचाव है। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो हमसे कांटेक्ट करने में हिचकिचाएं नहीं, कमेंट्स में अपना प्रश्न लिख के ज़रूर भेजिएगा, हम उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। याद रखिए, ये जानकारी किसी और की जान भी बचा सकती है। धन्यवाद।